Hello viewers, this is Professor Dr. Waseem Ai Khan from Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. I welcome all the viewers to the lecture series of Criminal Procedure Code. So today we will discuss section 155 to 160 of CRPC, which is relating to investigation by the police. कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहेगी, वो क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती है. सो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया सेक्शन 154, दैट इज़ रिलेटिंग टू FIR. आप वो वीडियो मेरा प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो. सो सेक्शन 155, हमने सेक्शन 154 में देखा कि जब कभी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन आएंगी तो उसके लिए FIR रजिस्टर्ड होगा. अब सेक्शन 155 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस. सो व्हेनेवर द इंफॉर्मेशन टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑफ द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. सो व्हेनेवर पुलिस रिसीव्स एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी ऑफेंस विच इज अ नॉन कॉग्निजेबल वन, के पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आती है, कोई इंफॉर्मेशन लेकर आता है और वो इंफॉर्मेशन सुनाने के बाद, वो स्टोरी सुनाने के बाद अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि जो ऑफेंस अट्रैक्ट हो रहा है, जो सेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है, वो सेक्शन नॉन कॉग्निजेबल है, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो सिचुएशन में क्या होगा, ही शैल इंटर द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर एंड रेफर द इंफॉर्मेंट टू द मैजिस्ट्रेट. सो द पुलिस शैल रिड्यूस इट इन टू राइटिंग इन अ बुक विच इज केप्ट इन पुलिस स्टेशन. अब यहां पर FIR नहीं होगा बट के NCR होगा, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होगी. एंड आफ्टर रिसीविंग दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर रेफर द इंफॉर्मेंट टू द मैजिस्ट्रेट. अब इंफॉर्मेशन तो रिसीव हो गई बट वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, तो इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद पुलिस ऑफिसर उस इंफॉर्मेंट को कहेगा कि ये जो हमको बताया ये सेम जाकर आपको मैजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा, और मैजिस्ट्रेट अगर हमको डायरेक्शन देंगे इन्वेस्टिगेशन के तभी हम अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट. सो इन केस ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस कैन नॉट स्टार्ट अ इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली अनटिल एंड अनलेस पुलिस रिसीव्स अ डायरेक्शन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट. जब तक मैजिस्ट्रेट से डायरेक्शन नहीं आते अरेस्ट करने के, तब तक वो अरेस्ट नहीं कर सकते. तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट आई, लिख कर लेने के बाद पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्मेंट को रेफर करेगा मैजिस्ट्रेट को. तो नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट. सो कोई भी पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना नॉन कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है. तो जैसा इंफॉर्मेशन आई उसके बाद अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की रही तो डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है, बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर रहा तो पुलिस ऑफिसर कैन नॉट स्टार्ट अ इन्वेस्टिगेशन अनटिल एंड अनलेस इट रिसीव्स अ डायरेक्शन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट. जब तक मैजिस्ट्रेट से स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं आते कि इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, तब तक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकता है. एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर में एक्सरसाइज द सेम पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. जब पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन आ जाए मैजिस्ट्रेट की तरफ से इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो जो पावर पुलिस ऑफिसर को कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करने के, सेम पावर उसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी आ जाएंगे. लेकिन कब? जब मैजिस्ट्रेट से डायरेक्शन आए तब. व्हेन केस रिलेट्स टू टू और मोर ऑफेंस वन इज कॉग्निजेबल. अगर जो केस है वो एक से ज्यादा ऑफेंस से रिलेटेड है, एक से ज्यादा सेक्शन अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसमें से अगर एक सेक्शन भी अगर कॉग्निजेबल है, तो द इंटायर केस विल बी ट्रीटेड एज अ कॉग्निजेबल वन एंड पुलिस विल रजिस्टर्ड एन FIR. स्टोरी सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर को लगा कि दो तीन सेक्शन अट्रैक्ट हो रहे हैं और तीन सेक्शन में से एक सेक्शन कॉग्निजेबल है, तो पूरा केस कॉग्निजेबल ट्रीट होगा और पुलिस FIR रजिस्टर्ड करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है डायरेक्टली. सो दिस इज द सेक्शन 155. नाउ सेक्शन 156, पुलिस ऑफिसर पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस. कि पुलिस ऑफिसर का पावर क्या रहेगा कॉग्निजेबल केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का. सो एनी ऑफिसर इन चार्ज मे विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस. सो सब क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 156 क्लियरली
indicates and mention that any police officer who receives information relating to any cognizable offense can start the investigation without the order of magistrate. तो जब कभी भी पुलिस ऑफिसर के पास कॉग्निजेबल केस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट के परमिशन के बगैर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है. मैजिस्ट्रेट के परमिशन की कोई जरूरत नहीं है. इट मेंशन इन सेक्शन 156 सब क्लॉज 1. सेक्शन 156 सब क्लॉज 2 डील्स विद नो प्रोसीडिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर इन एनी केस शाल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द केस वॉज वन विच सच ऑफिसर वॉज नॉट एम्पावर्ड अंडर दिस सेक्शन टू इन्वेस्टिगेट. तो इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट कर सकता है सब क्लॉज 1 में. अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, अक्यूज्ड को अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद वो अक्यूज्ड या और कोई पर्सन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज नहीं कर सकता ये ग्राउंड पे कि पुलिस को पावर ही नहीं था इन्वेस्टिगेट करने का. जब कभी भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली सब क्लॉज 1 ने पावर दिया पुलिस ऑफिसर को कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं, मैजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं है. जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो वो इन्वेस्टिगेशन को सब क्लॉज 2 में चैलेंज नहीं किया जा सकता है. सब क्लॉज 2 प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन टू द पुलिस ऑफिसर के वो इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी पुलिस ऑफिसर ने स्टार्ट कर दिया दैट कैनॉट बी चैलेंज. सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 any magistrate empowered under section 190 may order such an investigation as above mentioned. section 190 mein power of magistrate to take cognizance of offence hai ke kab kab magistrate offence ki dakhal le sakta hai. to jo bhi magistrate ko power hai dakhal lene ka section 190 mein to wo magistrate kya kar sakta hai. the magistrate may order such investigation as above mentioned. So, 156(3) में magistrate investigation का order pass कर सकता है. For example, जब कभी भी 155 में non-cognizable offence से related information magistrate के सामने जाकर वो देगा तो magistrate 156(3) में direction देगा police officer को investigation start करने के लिए. कभी कभी police officer cognizable case में भी FIR रजिस्टर्ड करने से मना कर देते हैं तो उस सिचुएशन में वो इन्फॉर्मेंट मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर प्राइवेट कंप्लेन कर सकता है और प्राइवेट कंप्लेन करने के बाद वो मैजिस्ट्रेट 156 सब क्लॉज 3 में डायरेक्शन देगा किसको पुलिस ऑफिसर को कि टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन. सो अंडर सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 द मैजिस्ट्रेट इज हैविंग अ पावर टू डायरेक्ट द पुलिस ऑफिसर टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन. सो दैट इज सेक्शन 156. सेक्शन 157 प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन के इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या रहेगा सेक्शन 157 में इंडिकेट्स किया गया है. इंफॉर्मेशन रिसीव्ड ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस सच पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट टू द मैजिस्ट्रेट एंड शैल प्रोसीड इन पर्सन. क्या होगा कि जब कभी भी पुलिस ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आई किसकी कॉग्निजेबल ऑफेंस की तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा एक तो वो रिपोर्ट करेगा मैजिस्ट्रेट को कि वी हैव रिसीव्ड सो एंड सो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस. वो रिपोर्ट करेगा इन पर्सन जाके या रिपोर्ट करेगा अपने सबॉर्डिनेट के जरिए और रिपोर्ट करके अपनी इन्वेस्टिगेशन वो शुरू कर सकता है. मैजिस्ट्रेट के परमिशन की जरूरत नहीं है. खाली मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वी हैव रिसीव्ड सो एंड सो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 157 में. So, or shall depute one of his subordinate to proceed to the spot to investigate the fact and circumstances of the case. तो जैसा information आई cognizable offence से related, वो information magistrate को forward किया उसने कि हमको ऐसा ऐसा एक information मिली है cognizable offence से related. सिर्फ इतना inform करेगा magistrate को और वो investigation start कर देगा वो खुद या अपने एक आधे subordinate को depute कर सकता है कि spot पे जाने के लिए और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए. एंड इफ नेसेसरी टू टेक मेजर्स फॉर द रिकवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर. और क्या करेगा वो कि मैजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन दिया स्पॉट पे गया स्पॉट पे जाने के बाद वो केस के सर्कमस्टांसेस को एनालाइज किया और वहां पर अगर कुछ एविडेंसेस मिले तो वो कलेक्ट करेगा ऑफेंडर मिला तो उसको अरेस्ट करेगा. दैट इज अ प्रोसीजर मेंशन अंडर सेक्शन 157 प्रोवाइडेड दैट फॉर ऑफेंस ऑफ रेप the recording of the statement of victim conducted at the residence or in the place of her choice by her woman police officer in the presence of her parents. So whenever the provided that for the offense of rape the recording of a statement of victim
कि सपोज इफ द ऑफेंस ऑफ रेप हैज बीन कमिटेड देन इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम. को ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट एंड पार्सल है, पुलिस विक्टिम का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है. तो जब कभी भी रेप के विक्टिम का अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है तो वो स्टेटमेंट पुलिस उस विक्टिम के घर जाकर रिकॉर्ड करेगी, उसके घर जाकर रिकॉर्ड करना पड़ेगा. और या तो वो वुमन के चॉइस का प्लेस रहेगा, वुमन जहां बोलेगी यहां मेरा रिकॉर्ड किया जाए वहां पर रिकॉर्ड होगा, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट के प्रेजेंस में. तो विक्टिम ऑफ रेप का स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड करना है तो विक्टिम के घर, उसके पेरेंट के प्रेजेंस में, या उसके चॉइस का कोई प्लेस, वहां पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी पुलिस. सेक्शन 157. सेक्शन 158 रिपोर्ट हाउ सबमिटेड. तो सेक्शन 57 में जो रिपोर्ट की बात हुई वाली, वो रिपोर्ट कैसे सबमिट करेंगे, सेक्शन 58 में बताया हुआ है. रिपोर्ट अंडर सेक्शन 157 शॉल बी सबमिटेड बाय सीनियर पुलिस ऑफिसर. तो जो सेक्शन 157 की जो रिपोर्ट है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, ये रिपोर्ट उस पुलिस स्टेशन का सीनियर पुलिस ऑफिसर सबमिट करेगा मैजिस्ट्रेट को. सेक्शन 159 पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी. सो आफ्टर रिसीविंग द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 158 द मैजिस्ट्रेट मे डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन और रिप्यूट एनी मैजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट टू हिम टू होल्ड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी. तो क्या होगा कि जैसे ही सेक्शन 158 में मैजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिली कैसा ऐसा ऑफेंस हुआ है, तो मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा इस इन्वेस्टिगेशन के लिए, या तो अपने एक आधे सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को डिप्यूट करेगा काय के लिए, टू होल्ड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, कि भाई ऐसा कुछ ऑफेंस हुआ भी या नहीं हुआ है इसकी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाए. ये ऑर्डर कर सकता है अपने सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को. अगर सेक्शन 158 में जो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट आने के बाद अगर सही रिपोर्ट लगी तो मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन करने देगा, अगर नहीं लगी सही रिपोर्ट तो अपने सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को डिप्यूट करेगा और वो बोलेगा कि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करो जिसके जरिए पता किया जाए कि ऑफेंस हुआ भी है या नहीं हुआ है. सेक्शन 160 पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस. सो नो मेल पर्सन अंडर एज ऑफ 15 एंड अबोव 65 ईयर और वुमन और मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एट एनी प्लेस अदर देन द प्लेस सच पर्सन रिसाइड्स. तो सेक्शन 160 में पुलिस ऑफिसर इज हैविंग अ पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस, के किसी भी पर्सन को कभी भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस स्टेशन बुला सकती है. ये पुलिस ऑफिसर को पावर है सेक्शन 160 में, कि सपोज अगर मेरी ज़रूरत है वो ऑफेंस में तो मुझे कभी भी पुलिस ऑफिसर बुलाएगा, नोटिस भेजेगा कि यू हैव टू कम टू द पुलिस स्टेशन, और ये मेरी ड्यूटी रहेगी, मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा क्योंकि सेक्शन 160 में पुलिस ऑफिसर को पावर है. लेकिन अगर उस पुलिस ऑफिसर को ऐसे व्यक्ति को बुलाना है जिसकी एज 15 साल या 15 साल से कम है, या 65 साल से ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति है, या कोई वुमन है, या कोई मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है, और ऐसे पर्सन को वो पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकता, फिर उसको कहां पर जाकर मिलना पड़ेगा, जहां पर वो पर्सन रहता है. तो कौन से पर्सन है, 15 साल से नीचे अगर कोई पर्सन है उसको पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकता पुलिस ऑफिसर, 65 ईयर से ज्यादा एज वाला पर्सन है उसको नहीं बुला सकता, अगर वुमन है उसको नहीं बुला सकता, और ऐसा कोई पर्सन है जो फिजिकली और मेंटली चैलेंज है उसको भी पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर नहीं बुला सकता है, बल्कि उसको जो भी पूछताछ करनी है उसके घर जाकर पूछताछ करना पड़ेगी पुलिस ऑफिसर को. तो दैट इज अ सेक्शन 160. सो सेक्शन 155 टू 160 वी हैव डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.